जनता में और कार्यकर्ता में मैसेज है कि लोजपा भाजपा एक ही है, पार्टी का गठबंधन जो भी हो। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के दिग्गज नेता रहे रामविलास पासवान का निधन हो गया है। पासवान के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले पासवान का निधन LJP के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। इसी बीच पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि भारतीय राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, उनकी कमी भारतीय राजनीति में सदैव खलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार उनके बिहार के विकास के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाह का बयान CM नीतीश कुमार के लिए एक संदेश था। इन बयानों ने 2013 और 2015 के चुनावों की याद को ताजा कर दिया है। 2010 के विधानसभा चुनाव में NDA का हिस्सा होते हुए भी नीतीश ने नरेंद्र मोदी को प्रचार में शामिल करने से मना कर दिया था। इसके बाद 2013 में नीतीश कुमार ने NDA से अलग होने का फैसला किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश लालू यादव की RJD के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। नीतीश ने BJP को धूल चटा दी थी। 2017 में नीतीश RJD से रिश्ता तोड़कर भाजपा के साथ फिर आ गए। शायद भाजपा नीतीश द्वारा दिए गए पुराने घावों को भूली नहीं है। चुनावी माहौल में पासवान के निधन के आंसू से कई जिलों में सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर JDU पर पड़ेगा। बिहार में रामविलास पासवान दलितों के इकलौते बड़े नेता थे। लोकसभा के लिए बिहार में सुरक्षित सीटों पर पासवान परिवार का ही कब्जा है। बिहार के 5 जिलों में दलित वोटर एक बड़े फैक्टर के रूप में काम करते हैं। पासवान के निधन से एक सहानुभूति की लहर है, जिसका फायदा रामविलास पासवान की पार्टी LJP को होगा। उनके बेटे चिराग पासवान पहले से ही बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बिहार में आज की तारीख में महादलित और दलित वोटरों की आबादी कुल 16% के करीब है। दलित बहुल सीटों पर पासवान का असर भी दिखता है। 2005 के विधानसभा चुनाव में LJP ने नीतीश का साथ नहीं दिया था। इससे खार खाए नीतीश कुमार ने दलित वोटों में सेंधमारी के लिए बड़ा खेल कर दिया था। 22 में से 21 दलित जातियों को उन्होंने महादलित घोषित कर दिया था। नीतीश ने इसमें पासवान जाति को शामिल नहीं किया। नीतीश कुमार के इस खेल से उस वक्त महादलितों की आबादी 10% हो गई। पासवान जाति के वोटरों की संख्या 4.5% रह गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का असर पासवान पर दिखा। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो खुद चुनाव हार गए थे। 2014 में पासवान NDA में आ गए, नीतीश कुमार उस समय अलग हो गए थे। 2015 में पासवान NDA गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में कोई कमाल नहीं कर पाई। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर NDA में आ गए तो गिले शिकवे को भूलकर 2018 में पासवान जाति को महादलित वर्ग में शामिल कर दिया। अब वोट बैंक की राजनीति में फिर ट्विस्ट आ गया है। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान का कद काफी बड़ा था। ऐसे में रामविलास पासवान के निधन से बिहार में सहानुभूति की लहर है। पासवान के साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि अगड़ी जाति के लोग भी उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई विवादित बयान नहीं दिया था। समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, वैशाली और नालंदा में महादलित वोटों की अच्छी खासी आबादी है। LJP की जिम्मेदारी संभाल रहे चिराग बिहार चुनाव की घोषणा होने से पहले ही JDU और नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। चिराग ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनका गठबंधन BJP के साथ है। LJP भगवा दल के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसे में JDU को RJD कैंडिडेट के साथ कड़े त्रिकोणीय मुकाबले से गुजरना होगा। इन सीटों पर LJP अगर NDA के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हुई तो निश्चित तौर पर JDU की सीटें घटेंगी। वहीं 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही BJP के लिए हालात उतने मुश्किल नहीं होंगे। इन सीटों पर NDA के वोट बैंक के साथ साथ LJP का वोट भी उसे मिल सकता है। ऐसे में चुनाव परिणाम में BJP को बढ़त मिल सकती है। भले ही LJP बिहार में NDA से अलग हो गई है, लेकिन पार्टी केंद्र में खुद को NDA का सहयोगी बता रही है। LJP के उम्मीदवार खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। हम आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद।
ऐसा चलो सिया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वीडियो में दिख रहे नेताजी भाजपा छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामने वाले राजेंद्र सिंह हैं। इन्होंने रोहतास जिले की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली दिनारा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने नामांकन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा केंद्र सरकार में शामिल है, दोनों केंद्र की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में जनता उनके साथ है। एलजेपी के प्रत्याशियों के बयानों को सुनकर साफ समझा जा सकता है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं एलजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह। सची, मैंने 37 साल भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की सेवा की है और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए यहाँ तक हमको पार्टी ने पहुँचाया है और आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में विकास कर रहे हैं, गांव गरीब की सेवा के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारत के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी वो कर रहे हैं। बिहार में भी जितनी योजनाएं चाहे सड़क की हो, चाहे जल नल की हो, चाहे जो भी योजना वो सब केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ही ये सारे विकास के काम हुए और अभी हम जो आपने दूसरा सवाल, उसमें दो सवाल आपने पूछा है और दूसरा सवाल आपने किया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी उसके लोजपा के विचार किया। मैं पिछले 5 वर्षों से 2015 में भारतीय जनता पार्टी का कुछ ऐसे ही नेता रामेश्वर चौरसिया हैं जो भाजपा छोड़कर एलजेपी में आए हैं, लेकिन नामांकन के दौरान रामेश्वर चौरसिया पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना नहीं भूले। जरा सुनिए चौरसिया का मोदी प्रेम। जब जनता में और कार्यकर्ता में मैसेज है कि लोजपा भाजपा एक ही है, पार्टी का गठबंधन जो भी हो, अरे खाके मुख्यमंत्री है 15 साल में जो नहीं कर पाए अब दुहाई दे रहे हैं और जनता में उनकी साथ बिल्कुल गिर चुकी है। क्योंकि आज देखिए भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप किसी ऑफिस में चले जाइए, भ्रष्टाचार पहले भी था, जब मैं 2000 में जीता था तो हमारे यहाँ एक सीओ थी तो वो 100 रुपया तस्दीक थी दाखिल खारज में। मैंने बोला क्यों गरीबों से पैसा लेते हो किसानों से, उसने बंद कर दिया, उसका अधिकारी लेता था पब्लिकली लगा करके क्या जनता दरबार में करता था। आज चले जाइए दाखिल खारज में, सुन हम तो सुनते 5-5 हज़ार लगता है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको समझ में नहीं आ रहा है। गाँव गाँव में दारू बिछा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री, नाटक किए हुए कि हमने दारू बंद कर दिया, अरे देश के खजाने बिहार के खजाने को आपने लुटा दिया, ब्लैक मार्केटियर कर दिया, माफिया को आपने पोस्ट लिया। अब कौन माफिया, कौन दारू बेचता है, सबसे पहले दारू में कौन पकड़ा गया था, जेडीयू का जिला अध्यक्ष उनके गृह क्षेत्र का, क्या उस पर कार्रवाई हुई। इनके नौटंकी के चलते हम लोगों को ये मजबूरन आना पड़ा है क्योंकि जनता और कार्यकर्ता ये मान चुकी है कि बीजेपी और एलजेपी एक ही है।